మాదాపూర్లోని అమర్ సొసైటీ నిర్వాసితులకు కూరటం ఇస్తూ దుర్గం చెరువు చుట్టూ హైడ్రా కూల్చివేతను నిలిపివేస్తూ తెలంగాణ హైకోర్టు సోమవారం మధ్యంతర ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి సోదరుడు యనమల తిరుపతి రెడ్డి కూడా మాదాపూర్లోని అమర్ కోఆపరేటివ్ సొసైటీలో ఉంటున్నారు. ఈ భూమి పి కోటేశ్వరరావు పేరుతో రిజిస్టర్ చేయబడి ఉంది. వాదన నెల హైకోర్టు అభ్యంతరాలను పరిగణలోకి తీసుకుని అక్టోబర్ 4 నుంచి 6 వారాల్లోగా తుది నోటిఫికేషన్ జారీ చేయాలని లేక్ ప్రొటెక్షన్ కమిటీని ఆదేశించింది. అంతేకాకుండా దుర్గం చెరువు నిర్వాసితులు అక్టోబర్ 4న సరస్సు పరిరక్షణ కమిటీ ఎదుట హాజరు కావాల్సి ఉంటుంది. वो बफर जोन में है बोल के बोल रहे लोग, नोटिस में भी वही है, देखा जाएगा कितना है सर ये पूरा जो आपके प्रॉपर्टी पर एफ नहीं मार्क किया गया है, दूसरे जितने प्रॉपर्टीज है. मेरा 600 yards है, मेरा 600 yards, ये वाल्टा एक्ट से पहले लेआउट बने सर. वाल्टा एक्ट बनाने के बाद कुछ वो लोग क्या कर लिए मुझे पता नहीं, अभी देखना है. सर अधिकारियों से क्या कहना चाहेंगे, एक तरफ ये सवाल उठ रहे हैं कि कोई अधिकारी अभी तक मुझे नहीं मिला, मेरे से बात नहीं हुआ. चीफ मिनिस्टर को क्या कहेंगे सर, एक होता है आपके भाई है, एक पर्सनल आपका रिलेशन एक है और दूसरा वो एक मिनिस्टर, वो मेरे अकेले के लिए काम नहीं कर रहे, सब लोगों के लिए कर रहे, वो तो करना है अधिकारी करना है. सीएम क्या करेंगे, क्या कहेंगे सर, ये डेमोलिशन में आप मदद करेंगे अगर बफर जोन में आता है तो? डेमोलिशन तो करना ही पड़ेगा, लीगली कुछ इलीगल काम करा तो लीगल एक्शन लेना ही पड़ेगा ना. तो आप कार्रवाई के लिए रेडी है? रेडी है. अगर घर और दूसरे दूसरे प्रॉपर्टीज भी इस चीज की जब्त में आ रहे हैं और खास करके आपके प्रॉपर्टी को लेकर काफी दिन से चर्चा चल रही है. बीआरएस के नेता ट्वीट कर रहे हैं, ड्रोन विजुअल्स लगा रहे हैं, सैटेलाइट विजुअल्स लगा रहे हैं. बीआरएस लोग मेरे को लेके ये सब कॉलोनी वाले को वो तो मुसीबत में पड़ा दिए, जो मगर मैं नहीं है तो इधर तरफ कोई देखने वाला ही नहीं रहता है. ये तो मैं बनाया सो नहीं है, मैं लेआउट नहीं बनाया, मैं इलीगल को नहीं बनाया, मैं परमिशन लेके जो मेरा मालिक था वो बना दिए, मैं घर बीच में खरीदा, मुझे क्या मालूम है. नहीं आपके जो गवर्नमेंट तोड़ना चाहे तोड़ने दो, जरा टाइम दिए तो सामान लेके बाहर चलता हूँ. सर जैसे आप कह रहे हैं कि बीआरएस पूरे ये पूरे ये पूरे बीआरएस वाले अटेंशन डाइवर्ट कर रहे हैं. ये जो 10 साल उनका गवर्नमेंट में बहुत इलीगल काम चला, वो काम रोकने के लिए वो ऐसा काम चालू कर दिए. तो आज क्या क्या कोई सर,